वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वकार यूनुस की नई तैनाती के हवाले से, उससे मुतलिक क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साबित होगी या नहीं होगी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, माजी में तो हमने देखा कि वकार यूनुस साहब को जब भी तैनात किया गया, जब भी उनकी जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो हेड कोच हों चाहे वो बॉलिंग कोच हों, सेटअप का हिस्सा बनाया गया, वो लंबे अरसे तक नहीं चल पाए। तो आपको लगता है इस वक्त जो माहौल है कि वकार यूनुस कोई 3-4 साल गुजार जाएंगे, या जो माजी का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो नहीं चल पाते प्लेयर्स के साथ, वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? मेरी समझ में तो मोहसिन नकवी साहब नहीं आए। मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूं। मैंने माजी में बहुत कम देखा है कि किसी एक शख्स को इतनी आपने जिम्मेदारियां दी हो। वो वफाकी वजीरे दाखला इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जॉब, बहुत बड़ी जॉब है, क्योंकि आपने तमाम मुल्क की एजेंसीज को लीड करना है ऐसे वक्त में जब हमारा मुल्क कहीं ना कहीं मुख्तलिफ सूरत हाल का शिकार है। ऐसे में वजारत दाखला की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दूसरी जानिब में अगर क्रिकेट की बात कर लेता हूँ तो पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, वो खेल से बहुत ज़्यादा है। वो चमन से लेके खैबर तक पूरी कौम को एक लड़ी में फिरो देता है। ना कोई इदारा है, ना कोई शख्सियत है, ना कोई NGO है कि जो पूरी कौम को एक जगह पर ला के खड़ा कर दे। और फिर जिस तरीके के मसाइल बिजली के, पानी के, महंगाई के हम देख रहे हैं, उसमें बहुत दुश्वार हो गया है पूरी कौम को एक जगह ला के खड़ा करना। और फिर दूसरी चीज़ ये कि इस महंगाई के बाद हमारी इस कौम के पास कोई दूसरी इंटरटेनमेंट नहीं है यार। एक क्रिकेट की सूरत में इंटरटेनमेंट है और उसका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, इतनी तेजी से नीचे जा रहा है आके मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके रीज़न क्या है। और इसका रीज़न सिर्फ प्लेयर पावर है। वो जो 4 प्लेयर पावर थी, 4-5 लोगों की, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को उस घोड़े की तरह कर दिया था जिसके यहाँ पे कवर लगे होते और वो सिर्फ सामने देखता है। सामने 20 खिलाड़ी रख दिए थे, 16 खिलाड़ी रख दिए थे। ये 25 करोड़ की आबादी है, हम ना राइट देखते हैं ना लेफ्ट देखते हैं, वही बंच ऑफ प्लेयर्स खेल रहे हैं। क्या वकार यूनुस इस सिलसिले में कोई डिसीजन ले पाएंगे? क्या वकार यूनुस पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? मैंने अभी एक ट्वीट किया था परसों जब वकार यूनुस आए थे, तो मैंने हवाला यही दिया था, वो तो सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। उनकी वजह से कई बासलाहियत क्रिकेटर्स के कैरियर इस वजह से खत्म हो गए कि उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये इनडिसिप्लिन है। भाई आपका डिसिप्लिन सही कराना भी आप ही का काम है, आप हेड कोच हैं, आप टीम के बड़े, आप वो नहीं कर सके। लेकिन अब फिर हम उम्मीद यही लगाते हैं। देखें, मोहसिन नकवी साहब ने पहले वहाब रियाज को लगाया, उनको हटा दिया, अब वकार को लगाया, ये नाकाम हो गए तो इनको हटा देंगे। और वो हर दफा एक बात कहते हैं कि क्रिकेटिंग मामलात ये देखेंगे, तो मोहसिन नकवी साहब कौन से मामलात देख रहे हैं? देखिए, मोहसिन नकवी एक बड़ा प्लेयर लेकर आना था, क्योंकि इससे पहले वो पंजाब के वजीर दाखिला थे, इंटरिम वजीर आला थे, और वो जितने भी लोगों को लेकर आए थे वो पंजाब हुकूमत के ब्यूरोक्रेट थे। चाहे आपने डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम नियाजी को लगाया, सर उन्हीं में से लोग वो बोर्ड में लेकर आ गए। अगर वो PCB चेयरमैन बनते हैं तो वहां से कुछ लोगों को साथ ही लेकर इधर भी आ गए वो। हाँ, अच्छे खासे जो लोग आए हैं वो जो उनके साथ पंजाब हुकूमत में काम कर रहे थे, आप उनको लेकर आए थे। अब खुर्रम नियाजी के हवाले से सवालात होते हैं कि वो तौसीफ अहमद को भी सुना रहे होते हैं कि भाई तौसीफ अहमद बेंगलोर टेस्ट का हीरो, इस मुल्क का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आप किसी भी ओहदे पे, मैं बार बार बात कह रहा था कि जब तक कोई एक बड़ा क्रिकेटर नहीं लाएंगे, लेकिन वकार यूनुस के स्टेचर का प्लेयर आप वहाब रियाज के कहने पर लेकर आ गए। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर वकार यूनुस ने अपने आप को नहीं बदला तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। ये मेरे अल्फाज आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारी क्रिकेट ऑलरेडी जितनी नीचे जा चुकी है उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को उठाने के लिए जिस तरीके के आपको गैर मामूली इकदाम करने की जरूरत दिखाई देती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नसीम राजपूत साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो हैं, शायकीने क्रिकेट जो हैं, वो जो सोच रहे थे कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, शायद कुछ ऐसा फैसला हो जाए, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर दिया उससे तो बज़ाहिर आगे अभी आपको अंधेरा ही नजर आ रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना आपने सोशल मीडिया देखे? बिल्कुल, सोशल मीडिया जरा उठा के देखिए वकार यूनुस के बारे में लोगों की राय क्या है। उसमें मोस्टली यंग क्रिकेटर्स की बातें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि पहले इनका माजी देख चुके हैं कि किस तरीके से वो पार्शल हो जाते हैं, वो वन साइडेड हो जाते हैं, वो पावर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं।
और उसके बाद जो बाकी लोग होते हैं वो उनकी तवज्जो का मरकज नहीं होते। ये मसला तो रहा है और एक पूरा बैकग्राउंड है वकार यूनुस साहब का। मैं देखा कि जिस तरह से जब भी उनको तैनात किया गया, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि 2006 में पहली बार बॉलिंग कोच बनाया, फिर 2010 में आए, फिर गए, फिर 2014 में आए, फिर गए, फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब सरफराज को हटाया गया, उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप होता है तो फिर उनको वापस लाया जाता है। लेकिन ये मामला तो आने जाने के लगे रहते हैं, लेकिन वकार यूनुस साहब को फिर लाया गया। देखते हैं क्या चांद चढ़ता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होती है या नहीं। नसीम राजपूत साहब से मज़ीद बात करते हैं, लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे ओलंपिक्स पर। और ओलंपिक्स पर बात करनी है हमने, क्योंकि ओलंपिक्स एक ऐसी गेम है जिसमें पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि किस मुल्क से कितने लोग गए खेलने के लिए, कितने रुकनी दस्ता गया। लेकिन हमें ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा देर इसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा देर इसके लिए टाइम निकालने की, स्क्रीन के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारे 7 लोग हैं, 7 एथलीट्स हैं और उनमें से आधे जो हैं वो बाहर हो चुके हैं, इस टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। बाकियों की क्या पोजीशन है और क्या कोई पाकिस्तान को बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं नसीम राजपूत साहब से। नसीम राजपूत साहब, क्रिकेट पर तो हमने काफ़ी बात की और करते रहते हैं, लेकिन ओलंपिक्स भी चल रही हैं, पाकिस्तान की का 7 रुकनी दस्ता था, आधी टीम ही आधा दस्ता जो है वो इस वक्त टूर्नामेंट से फारिग हो चुका है, बाकी जो रह गए हैं, लगता है आपको कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी परफॉर्मेंस सामने आ सकेगी? देखिए, एक ही होप है हमारी, अरशद नदीम, तो अपनी मदद आप दें। आपको पता है नीरज चोपड़ा इंडियन जेवलिन थ्रो एक्सपर्ट से जिसका मुकाबला है, वो उस पर 1.25 करोड़ रुपया इंडियन खर्च होता था उनकी तैयारी पे, और ये बजट इंडियन हुकूमत ने रखा था। उनको पता है कि ओलंपिक गोल्ड की क्या अहमियत है। आपके यहाँ पर मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अल्लाह माफ़ करे यार, मैं 2004 में एथेंस ओलंपिक्स कवर करने के लिए गया था यूनान, जी उस वक्त हॉकी टीम आपकी क्वालिफाई करके गई थी, आपके 6 बॉक्सर्स क्वालिफाई करके गए थे। मुझे आज भी अनवर चौधरी याद है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर था, जनरल आरिफ हसन साहब उस वक्त पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबरा थे, कि अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अभी रिसेंट पास में चार्ज छोड़ दिया, वरना तो हमारे यहाँ जो चुमट जाता है वो चुमट जाता है, फिर वो हटता नहीं है जब तक आप उसको हटाए नहीं। जो इज्जत मैंने अनवर चौधरी की देखी थी वहाँ पर, जाओ एंटोनियो समारांच उस वक्त इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सरबरा थे, तो एक डिनर में मुझे भी जाना हुआ अनवर चौधरी साहब के साथ, वो जो मैंने रिस्पेक्ट देखी थी वहाँ ओलंपिक्स में अपने उस एडमिनिस्ट्रेटर की, अनवर चौधरी साहब की अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, यार वो एडमिनिस्ट्रेटर चले गए, नूर खान चले गए, आरिफ अली खान अब्बासी अल्लाह जिंदा है, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ रखे, लेकिन अब वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, खासे बूढ़े हो गए। मैं आज के एडमिनिस्ट्रेटर देखता हूँ तो माजी में वो लोग प्राइड की बात करते थे, प्राइस की बात नहीं करते थे, आज प्राइस की बात होती है, प्राइड की बात नहीं होती है, वो प्राइड खत्म हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि यार हम जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बजट देते हैं उसका 75% उनकी तनख्वाहों पे खर्च हो जाता है। अब आप बताएं कि आप वो क्या कहते हैं, वो कहावत है ना, नंगी नहाएगी क्या, निचोड़ी की क्या, हम अपने खिलाड़ियों को दे क्या रहे हैं, हम खिलाड़ियों को क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेचारे। नसीम राजपूत साहब, यही मैं जानना चाहता हूँ, जो एक उम्मीद है अर्शा, जिस तरह से आपने कहा कि यही एक है कि यही हमें कोई मेडल जितवा सकते हैं, लेकिन क्या जो उनका मुकाबला है इंडियंस के साथ, उनका कितना बजट है, एक बार फिर थोड़ा सा इसको वाजे करें, और हमारी तैयारी कैसे होती है, हमने अरशद नदीम की तैयारी कैसे करवाई और किस माहौल में वो बेचारा तैयारी करके गया है? नीरज चोपड़ा का महाना बजट 1.25 करोड़ रुपया इंडिया ने, महाना बजट, पिछले एक साल से सारी दुनिया में ट्रेनिंग के लिए वो जा रहे हैं। हमारा बेचारा अरशद जो है वो मियाँ चिन्नू में रहते हैं और छांगा मांगा जाना भी उसके लिए मुश्किल काम है यार, हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेडल्स दिल्ली पे आ जाए, ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। अगर अल्लाह करे कि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए कोई ग्लोरी लेकर आ जाए, तो यार उसको लॉन्चिंग पैड बना लो एक मरतबा, फिर हॉकी तबाह कर चुके हो, स्कॉच तबाह कर चुके हो, और जब तक ये क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा बनेगा नेक्स्ट ओलंपिक्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ भी क्वालिफाइंग करके जाना पड़ेगा जैसे हॉकी में क्वालिफाइंग नहीं कर पा रहे, यही हाल रहा। तो जो एक खेल रह गया है वो भी जमीन बोझ करने को हम तैयार बैठे हुए,
दुआ करें कि अरशद नदीम जीते यार। जिन ममालिक की आबादी 50 लाख है, जिन ममालिक की आबादी जो है वो 1 करोड़ है, वो मेडल टैली पे दिखाई दे रहे हैं, दो दो मेडल, तीन तीन मेडल रह गए। अफसोस का मकाम है, 25 करोड़ की आबादी का मुल्क एक सिंगल मेडल के लिए तरस रहा है, सिर्फ अपनी हुकूमत की वजह से, सिर्फ अपने अरबाब इख्तियार की वजह से। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और इसी तरह से हमारे साथ कुछ और प्लेयर्स भी दिगर प्रोग्राम्स में रहे, उन्होंने भी इसी तरह के खदशात और ऐसे ही कुछ अपने तहफ़ात भी रखे कि उनको तैयारी नहीं करवाई जाती, बजट नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राज मौजूद रहे। हमने बात की है वकार यूनस की तैनाती के हवाले से, और इसके साथ साथ ओलंपिक्स में पाकिस्तान की बुरी बदतरीन परफॉर्मेंस पर, आखिर ये परफॉर्मेंस कब ठीक होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ इजाज़ दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।